दोस्तों, यदि आपने भी परचेस करी है फिट प्रो की स्मार्ट वॉच, ये वाली वॉच अगर आपने परचेस करी है तो कैसे आपको ये अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है और बहुत सारी सेटिंग्स ऑन करनी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि SMS को अपने इस बैंड पर देखना, साथ ही साथ जब भी आपको कॉल रिसीव हो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे कि कॉल किसका आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफर में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पे जो है आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे आपको यहाँ पे सर्च करना है फिट प्रो। अब आप यहाँ पे जब फिट प्रो सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन नज़र आएगा। हालांकि मैं आपको इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, इसको ये वाला है फिट प्रो स्मार्ट ब्रेसलेट फिट प्रो, और आपको ये वाला एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन पे। और मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस नज़र आएगा, आपको इसको अलाउ करना है। अलाउ करना है तो आपको इसको 5 टाइम अलाउ करना पड़ेगा, जितने टाइम ये आपको अलाउ के लिए कहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अलाउ कर लिया है। अगर आप चाहते हो इसमें रजिस्टर करना, यानी कि आप अपना अकाउंट यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, साथ ही साथ फेसबुक से भी इसको लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप ऊपर क्लिक कर सकते हो। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी इसको रजिस्टर नहीं करूँगा, मैं स्किप यहाँ से कर लेता हूँ। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपको यहाँ पर इसको रजिस्टर ही करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको लॉगिन कर लिया है, यानी कि स्किप करके मैंने यहाँ पे मैं एंटर हो चुका हूँ। अब इसके बाद आपके सामने यहाँ पे दोस्तों आपको स्मार्ट वॉच आपको ऑन करनी है। ऑन ऑलरेडी दिखेगी आपको इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्मार्ट वॉच है। अब आप यहाँ पे जाएंगे सेट वाले पे, सेकंड नंबर के ऑप्शंस पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है, यानी आप बिंड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये यहाँ पे इसको स्कैन करेगा। अब आप देखिए, यहाँ पे आपका जो है डिवाइस दिख गया है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो बैटरी के बगल में जो आपका बैंड की बैटरी है उसके बगल में आपको एक सिंबल नज़र आएगा जो आपको कनेक्ट के लिए दिखाएगा कि ये आपका बैंड जो है कनेक्ट हो चुका है, यानी कि हमारा ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है जब हमने इसमें क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं, हमारा ये फिट प्रो एप्लीकेशन या वॉच से कनेक्ट हो चुका है। बैटरी के बगल में आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख गया है। तो अभी हम इसको दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ये डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें जो यहाँ पे करनी होती है दोस्तों, यहाँ पे जब आप इसको लॉगिन कनेक्ट कर लोगे, लॉगिन करके, तो यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला आपको क्लिक करना है। ब्राइट स्क्रीन, यानी कि अगर आप इसको ऑन करोगे, यानी कि जब भी आप अपना हाथ इस तरीके से हिलाओगे तो आपका डिवाइस पे लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इसको ओपन करोगे, ऑन करोगे, यानी कि यहाँ से, और ऑन जब यहाँ से हो जाएगा तो आप यहाँ पे टाइमिंग दे देंगे, यानी कि जब भी आप अपना हाथ को हिलाओगे तो आपका यहाँ पे ये लाइट स्क्रीन पे आपके जो डिस्प्ले है स्मार्ट वॉच की, उस पर लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। मान लो मैं मॉर्निंग से 9 बजे से लेकर, यानी कि 10 बजे से लेकर, और रात के जो है 22 बजे यानी कि 10 बजे तक मैं इसको ऑन रख लेता हूं, और जब भी हम अपने हाथ को इस तरीके से हिलाएंगे तो ये इस तरीके से दोस्तों यहां ऑटोमेटिकली यहां पे लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं यहां पे अभी वीडियो बना रहा हूं, और यहां पे इस तरीके से आप अपना जो है से करके इसको ऑन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको DND मोड का मिलेगा, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब, और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट वॉच पर आपको
नजर नहीं आएगी। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको ऑफ ही रहने दें, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच आपने कहीं ना कहीं इसलिए परचेज करी होगी कि आपको यहाँ पे जो है चीज़ें जो है आपको बहुत सारी फैसिलिटीज अपने हाथ पे देखने को मिले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं। अगर आप अलार्म यहाँ से सेट करें तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम है, जो टाइम दिखा रहा है 4:50। तो अगर आप यहाँ पे अलार्म लगाएंगे तो यहाँ से आपको प्लस पे क्लिक करना है, और जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप 51 पे कर दीजिए, और यहाँ पे आप डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे सैटरडे को लगाना है, ओनली आज है सैटरडे, तो मैं यहाँ पे इसको 52 कर देता हूँ, क्योंकि हमारा 51 तो हो गया है। अब मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अभी हम थोड़ा सा इसको सेट करने के बाद कंफर्म कर लेते हैं। अब जब हमारा ये टाइम हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे जो है अलार्म ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे 4:51 हो रहे हैं, यानी कि हमने 4:52 का अलार्म लगा रखा है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ कि अलार्म आपका ऑटोमेटिकली ये बजना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो है 4:52 का अलार्म लगा रखा है, और हमारा ये अलार्म ऑटोमेटिकली बजना स्टार्ट हो गया है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप यहां से इसको डिलीट भी कर सकते हैं और अलार्म लगा सकते हैं, और यहां पे बहुत इजी तरीके से बहुत सारे और भी फीचर का आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको और भी फीचर का फीचर बता देता हूं उसके। अब आप यहां पे जाएंगे साइड में, तो आप यहां पे लॉन्ग सिट रिमाइंड, यानी कि अगर आप ज्यादा देर बैठते हैं तो आप इसको ऑन करेंगे यहां से। अगर आप इसको यहां से इसको ऑन कर लेते हैं इस तरीके से, तो चलिए मैं यहां से इसको ऑन कर लेता हूं। ये मेरा ऑन हो चुका है, और अब आप यहां पे देखिए कि यहां पे आपको सिटिंग टाइम, यानी कि अगर आप यहाँ पे टाइम सेट करोगे कि अगर आप 1 घंटा अगर 60 मिनट बैठते हो तो उसके बाद ये आपको रिमाइंड कराएगा स्टार्ट। यानी कि जैसे मॉर्निंग में हम ऑफिस चले जाते हैं, और मान लो कि आपका 10 बजे से लेकर और शाम के आपका यहाँ पे शाम के 9 बजे की टाइमिंग है, तो आप यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, ताकि इस तरीके से इसको टिक मार कर लेंगे, और जब भी मैं यहाँ पे इस टाइमिंग में अपने ऑफिस में बैठूंगा और ये हर 60 मिनट में मुझे रिमाइंड करवाएगा कि आप ज़्यादा देर बैठ चुके हो, अब जल्दी से उठ जाओ और इस चीज़ को आप जो थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर लो, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज पुश का यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग मिलेगा, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि कॉल्स रिमाइंड अगर आप यहाँ से ऑन करेंगे, जो जो चीज़ें आपको चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन पे, यानी कि अगर आप चाहते हो जो भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आए वो आपके स्मार्ट वॉच पे आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि एसएमएस का और वीचैट का, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग, अगर आपको फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे। जो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इतनी चीज़ें ऑन कर दी है, और जो भी हम यहाँ से ऑन करेंगे उन्हीं का नोटिफिकेशन हमारे स्मार्ट वॉच पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप अदर में जाएंगे तो अदर में भी आपको यहाँ पे वाइब्रेट सेटिंग मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बैंड जब भी आपको नोटिफिकेशन आए तो वाइब्रेट करे, तो इसको ऑन ही रहने देना। अगर आप चाहते हो इसको ऑफ करना तो ये ऑफ हो जाएगा और आपको वाइब्रेट भी नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं इसको फिलहाल ऑन ही रहने देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे मोशन का, यानी कि स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे वॉक यहाँ पे दिखाई देगा कि आप कितना रन कर रहे हैं बाइक से, कितना वॉक कर रहे हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप अपने प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना नाम और सेक्स में मेल फीमेल और एज और अपनी हाइट और वेट अपना यहाँ से इस तरीके से फिल कर सकते हैं, और यहाँ से आप यहाँ पे स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स आप चलेंगे यहाँ पे आपके स्टेप्स दिखेंगे। जैसे मैंने टारगेट 5000 का यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिया हुआ है, तो यहाँ से 7 स्टेप्स मैं चल चुका हूँ। तो इस तरीके से जितने भी स्टेप्स आप चलेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है इस तरीके से आपके स्टेप्स दिखा देगा। अब दोस्तों बहुत सारे सेटिंग आपको यहाँ पे बैंड के ऊपर भी मिल जाएंगे। आप मान लो कि आपको एसएमएस रीड करने हैं तो आपको एसएमएस के ऊपर जाना है, इसके ऊपर इस तरीके से जाना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा इस तरीके से, और लॉन्ग प्रेस करना है, इसके ऊपर जाकर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली एसएमएस खुल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप सारी की सारी सेटिंग ऑन कर सकते हो और सेटिंग्स में इजिली जा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको फिट प्रो की वॉच को फिट प्रो एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। और अगर आपको वीडियो
हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियोज के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।